ताला किसने डाला, जिसके साथ घटना हुई है वो बताया। कोई शोर नहीं किया भाई, वो उसके घर तो नहीं गया जबरदस्त। बरेली के थाना बेड़ी क्षेत्र में लॉ की छात्रा ने अधिवक्ता और उसके मुंशी पर चैम्बर में बंधक बनाकर रेप करने और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर अधिवक्ता और मुंशी के खिलाफ मामला दर्ज कर इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज होने के बाद अधिवक्ताओं में खलबली मच गई और चर्चाओं का विषय बन गया। जिस तरह से पीड़ित छात्रा ने अपनी आपबीती बताई और 15 फरवरी शाम को अधिवक्ता के चैम्बर पर बंधक बनाकर बारी बारी से रेप करने की बात कही है। मेरे से ये कह रहे हैं कि अगर तुमने मुकदमा दर्ज नहीं कराओगी, मुकदमा दर्ज नहीं कराना है, स्वयं मेरे घर पे जा रहा हूँ। पुलिस इस मामले की उतनी ही गंभीरता से जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर इस घटना के संबंध में साक्ष्यों को जुटाना शुरू कर दिया है और आरोपी अधिवक्ता घटना के बाद से ही फरार है। जानना चाहेंगे बहेड़ी में एक वकील के खिलाफ उसी के किसने मुकदमा लिखवाया और किस मामले में मुकदमा लिख रहे हैं। ये आरोप लगाया गया कि वकील साहब ने अपने चैम्बर में महिला के साथ बलात्कार किया, तो उस संबंध में मुकदमा लिखा गया है थाना बहेड़ी का। उस रोज उन्होंने बलात्कार की सूचना कोई कहीं बताई नहीं थी थाने पर या कहीं। अगले दिन इन्होंने वकील साहब के साथ मारपीट की कि इनके परिजन उन्होंने जाकर जो विक्टिम है तो उसका SC ST का मुकदमा लिखा है। दो मुकदमे लिखे गए, दोनों में मेरी कार्रवाई की जाएगी।